487 बुक्स ऑन मंडे। एक बुक्स बेचने वाले ने मंडे को कितनी बुक्स बेची? 487 बुक्स बेची। He sold 372 days, 372 books on Tuesday. और उसने ट्यूसडे को कितने बुक्स बेची? 372. How many more books the book seller sold on Monday than Tuesday? हमें बताना है कि जो बुक बेचने वाला था, जो किताबें बेचने वाला था, उसने मंडे को कितनी ज्यादा बुक बेची ट्यूसडे से। अब एक एग्जांपल समझते हैं। आप मार्केट गए और आप मान लेते हैं हम 5 बुक्स खरीद के लाए। आप मार्केट गए और 5 बुक्स खरीद के लाए और आपका भाई गया, बड़ा भाई गया, वो 8 बुक्स खरीद के लाया। वो कितने बुक्स खरीद के लाया? 8 बुक खरीद के लाया। अगर कोई आपसे पूछे या आपकी मम्मी आपसे पूछे कि बताओ तुम्हारे बड़े भाई ने तुमसे कितनी ज्यादा बुक खरीदी, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने 5 खरीदी, उसने 8 खरीदी, तो मतलब उसने 3 ज्यादा खरीदी। मतलब आपने 8 में से 5 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया? आप कितने लाए थे? 5। आपके बड़े भाई कितने लाए थे? 8। तो अब आपने 8 में से 5 हटा दी तो कितनी बची? 3 बची। तो आप क्या बोलोगे? वो 3 बुक एक्स्ट्रा लेके आए। यही है ना, इस तरह इसी में हमें आंसर निकालना है, इसी तरह से इसी रीजन से। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। बुक्स सोल्ड ऑन मंडे, मंडे को बुक्स कितनी बेची? इतनी बुक्स बेची। बुक्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितनी बेची? इतनी बुक्स बेची। एक्स्ट्रा बुक सोल्ड ऑन मंडे, तो हमें बताना है कि हम मंडे को ज्यादा बुक बेचिए, ट्यूसडे को कम बेचिए, तो मंडे को कितनी ज्यादा बेची ट्यूसडे से? तो दोनों का माइनस करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कितनी ज्यादा बेची। दोनों का माइनस करेंगे हम, 7 × 2 = 5, 8 × 7 = 1, 4 × 6 = 1। तो कितनी एक्स्ट्रा बुक बेची? 115 एक्स्ट्रा बुक बेची मंडे को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर बी ऑफ दिस एक्सरसाइज। नंबर सेकंड देखते हैं, एक्सरसाइज 4.6 का। ऑन द बर्थडे पार्टी ऑफ नेहा, नेहा की बर्थडे पार्टी में 278 बलून्स वर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए 278 बलून्स मींस गुब्बारे यूज किए गए। ड्यूरिंग दैट पार्टी 112 बलून्स वर ब्रश्ड। पार्टी के समय 112 बलून्स को फोड़ दिया गया, खराब कर दिया गया। हाउ मैनी बलून्स वर लेफ्ट? अब हमें बताना है कितने बलून्स बचे। जैसे मैंने आपसे बोला आपके पास 5 एप्पल थे, उसमें से 3 आपने खा लिए, आपके पास कितने बचे? तो आप क्या करेंगे? 5 में से 3 खाली है तो 3 माइनस कर देंगे, कितने बचे? 2 बचे। इस तरह इसमें करना है, कितने बलून थे, कितने खराब हो गए, उसमें से माइनस कर देंगे, जितने बचेंगे वो हमारे लेफ्ट बलून होंगे। ओके, बलून यूज फॉर डेकोरेशन, इसमें ये जो बलून यूज फॉर डेकोरेशन कितने यूज किए थे? इतने हमने यूज किए थे। उसके बाद बलून पर ब्रश, बलून पर ब्रश, कितने बलून खराब हो गए? 112। अब हमें बताना कितने बलून लेफ्ट बचे। बलून पर लेफ्ट कितने बचे? दोनों को माइनस करेंगे, हमने दोनों को माइनस किया, 1 × 2 = 6 बचे, 7 × 7 = 6 बचे, 2 × 7 = 1 बचे। सो द आंसर इज 166 बलून पर लेफ्ट, 166 बलून बचे। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ टू नंबर इज 565। कोई दो नंबर है, अब दो नंबर कौन कौन से हमें नहीं पता, अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 565। वन ऑफ देम इज 245। अब हमने क्या बोला था, दो नंबर है, दोनों का प्लस करने से इतना आंसर आ रहा था। दो नंबर कौन से थे हमें नहीं पता, लेकिन उसमें से एक नंबर पता चल गया और वो नंबर है 245। फाइंड द अदर नंबर, हमें बताना है दूसरा नंबर कौन सा है। जैसे मैं आपसे बोलूं आपके पास एक 10 नंबर है, एक 7 नंबर है, ठीक है, वो दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 17। 10 और 7 का प्लस करेंगे तो आएगा 7।
हमें ये पता चल जाएगा कि जो दूसरा नंबर था वो कौन सा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर, दोनों नंबरों का सम, सम मींस प्लस करने पे क्या आंसर आ रहा है, 565। वन ऑफ देम जिसमें से एक नंबर है 245। हमें बताना है दूसरा नंबर कौन सा है, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने पे आंसर आ रहा है 320। इसका मतलब कि पहला नंबर था 245 और दूसरा नंबर था 320, इन दोनों का प्लस करने पे क्या आ रहा था, 565। अपन ने वेरिफिकेशन सीखा है, उसी मेथड का है क्वेश्चन, इन दोनों का प्लस करें तो क्या आएगा, 565। मतलब हमारा आंसर जो आया है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, थर्ड, वो कंप्लीट हो गया। नंबर फोर, वेयर आर 876 स्टूडेंट इन स्कूल, एक स्कूल में 876 स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी हैं। अमंग देम 384, 383 आर गर्ल्स, जिसमें से 383 गर्ल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन वन स्कूल, हमें बताना है टोटल बॉयज कितने हैं स्कूल में। आप लोगों को पता है बॉयज और गर्ल्स को मिलाते ही क्लास बनती है, एक क्लास में या स्कूल में बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं। अगर हमें दे दिया कि एक स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 100 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 50 गर्ल्स हैं, क्या बोल दिए, जिसमें से 50 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे, दोनों को मिला के 100 है, और जिसमें से गर्ल्स कितनी है, 50, तो बॉयज कितने होंगे, भी 50 ही होंगे, तभी तो दोनों को मिला के 100 हो रहा है। इसी तरह हमें इस क्वेश्चन में करना है, स्टूडेंट इन स्कूल, टोटल स्टूडेंट कितने स्कूल में, 876। गर्ल्स इन स्कूल, गर्ल्स कितनी है स्कूल में, 383। टोटल इतने बच्चे हैं, इसमें से इतने गर्ल्स हैं, जितनी बच्ची होंगी वो कौन होंगे, बॉयज होंगे, तो बॉयज इन स्कूल, इन दोनों का माइनस करें, 6 में से 3 गए, 3, 7 में से 8 नहीं कर सकते, इसको 17 बना लेंगे, कैरी लेकर कैरी दे दी, ये बच्चा 17 में से 8 गए तो 9, 7 में से 3 गए